आप ही हो, आपका नंबर आ रहा है, तो कम से कम कोई ना कोई तो हो जोधपुर का और राजस्थान का जो सुप्रीम कोर्ट रिप्रेजेंट करे, ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो वैसे मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी रहती है हर राज्य से कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में रहे। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कृष्ण जी का गाना भी बनता है, हम सब की दुआएं होगी। संजीव मेहता जी गुवाहाटी में बन सकते हो, तो आपकी दोस्ती आप पर गंदे से आप कह रहे हो। चलो अब आप अपने मेल की बात करें ना, किसको भेजना है किसको जाना है। अब मैं कहना चाहूंगा जो फाइनेंस कमीशन आया था, इलेवन फाइनेंस कमीशन, उसने उस वक्त में फास्ट कोर्ट की स्थापना की थी, इलेवन फाइनेंस कमीशन 2005 के अंदर, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था। बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर धीरे धीरे फास्ट कोर्ट बंद हो गए। अब पोस्को का और महिलाओं का भी चल रहा है। मैं चाहूँगा कि सीधे साहब बैठे हुए हैं, आप सब सीधे साहब बैठे हैं, हम लोग सरकार और हाईकोर्ट मिलकर के तय करें, वास्तव में जरूरत है तो फास्ट कोर्ट बननी चाहिए जिससे कि त्वरित न्याय मिले लोगों को। ये मेरा मन है। और पेंडिंग जैसे पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो सब मानते हैं पूरे देश के अंदर कई बार राष्ट्रीय बहस भी हो चुकी है इसके ऊपर, जैसे निबेड़ हो चुकी है, पर पता नहीं किन कारणों से तो संभव है तो फिर भी असंभव लगता है। संभव इसलिए कि हो सकता है होनी चाहिए, तो पेंडेंसी है तो क्या कारण है कि उसके बाद में जाइएगा अपॉइंटमेंट नहीं होता है, नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, हाई कोर्ट में नहीं होते हैं, अनेक स्थान खाली पड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए। और साथ में मेरा मानना है कि जिस प्रकार से आपने विचार प्रकट किए हैं मुझे अच्छा लगा। एडी साहब के द्वारा आपने ठीक कहा, आर्टिकल 165 के अंतर्गत नियुक्ति होती है, उनका संवैधानिक पद है, लेकिन एडवाइजर के रूप में भी और सरकार के लिए अमूल्य राय भी मिलती होगी, इसलिए ये सुविधाएं मिली आज तो ये कोई हमने एहसान नहीं किया, हमारी हमारा कर्तव्य है, सरकारी जिम्मेदारी है कि जो जो डिमांड्स हो किसी भी साइड की हो उनको पूरा करना चाहिए, चाहे पब्लिक की हो चाहे वो किसी संस्थान की हो, तो वो हम पूरा कर रहे हैं। आपने विंस्टन चर्चिल ने कहा था, पहले हम इमारतें बनाते फिर इमारत हम बनाते हैं,